हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैक एंड वेलकम टू मुकेश मैक यूट्यूब चैनल। सो 2 से 3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 फोटोज अपलोड करे थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज का ये जो वीडियो खास करके इसी टॉपिक के ऊपर है, वहाँ पे जो भी मैंने फोटोज अपलोड करे थे उनको एज इट इज़ मैं यहाँ पे एडिटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो आज का ये जो वीडियो, इसके अंदर आपको कुछ एडवांस रिटचिंग के टेक्निक सीखने को मिलने वाला है। सो वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो अभी यहाँ पे मैंने जो भी फोटोशॉप ओपन किया है वो एक्चुअल में फोटोशॉप 2020 वर्जन है। सो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा टूल नहीं दिखा रहा जो मैं बता रहा हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर वो जो टूल है उसका नाम सर्च करके वो टूल को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने फोटो इंपोर्ट कर लिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फोटोज को एक्चुअल साइज में क्रॉप कर लेता हूँ, जिस भी साइज में मुझे फाइनल एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम के अंदर करना है तो मैं क्रॉप टूल लूंगा, फोटो के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से 4:5 का जो रेशियो है उसको सेट कर दूंगा। फिर उसके अंदर क्या होगा, इंस्टाग्राम पे जो भी साइज के अंदर मुझे अपलोड करना है वो साइज आ जाएगी। ठीक है, सो अभी एक्चुअल में मुझे क्या करना है, अभी मैं थंबनेल के ऊपर इसी फोटो को लगाने वाला हूँ। तो अभी मैं इसको एडिट करने वाला हूँ लैंडस्केप के अंदर, मतलब इसी तरीके से मैं इसको एडिट करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इस तरीके से इसको क्रॉप कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अब जो स्टेप नंबर 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टेप नंबर 2 है वो है एक्सपोजर कंट्रोल, मतलब मैं सीधा फिल्टर के अंदर से कैमरा फिल्टर के अंदर जाऊंगा और वहाँ से इस फोटो का जो एक्सपोजर प्रॉपर कर लूँगा। मुझे लग रहा है कि अभी इस फोटो के अंदर हल्का सा शेडो है, तो हल्का सा शेडो को लिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड जो है मुझे डार्क करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए एक्सपोजर को कम कर दूंगा। अब बैकग्राउंड डार्क हो गया। अब आप बोलोगे यार फेस तो डार्क हो गया है, हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एडजस्टमेंट टूल लेके फेस के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उस पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करके रिसेट करेंगे और वहाँ का जो एक्सपोजर है उसको बढ़ा देंगे। ये देखिए वहाँ का एक्सपोजर बढ़ गया, साइड का जो है वो डार्क हो गया। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, देखिए इन दोनों फोटो के अंदर इस फोटो के ऊपर ज़्यादा फोकस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मैं सेकंड स्टेप क्या करूंगा, इस फोटो के अंदर जो बैकग्राउंड में जितनी भी हाईलाइट है सबको रिमूव करूंगा, ताकि डायरेक्टली जो फोकस है मेरे फेस के ऊपर आए। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट करूंगा, उससे क्या होगा मेरा जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं फोटो के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और सिलेक्ट इनवर्स करूंगा, इससे क्या होगा बॉडी को छोड़ करके जो बाकी का पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं सिंपली कैमरा फिल्टर के अंदर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से हाईलाइट को कम करूँगा ताकि बैकग्राउंड में जो भी हाईलाइट है वो कम हो जाए। अब डायरेक्टली क्या होगा, जब भी कोई देखेगा तो डायरेक्टली जो ध्यान है मेरे फेस के ऊपर आएगा, बट अभी भी फेस का जो एक्सपोजर प्रॉपर नहीं हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉज टूल ले रहा हूँ। तो डॉज टूल ले करके, अब डॉज टूल का यूज़ क्या होता है, एक्चुअल में अगर आपको कोई भी पार्ट ब्राइट करना है तो आपको डॉज टूल काम आने वाला है। तो डॉज टूल लिया, अब मुझे क्या करना है, फेस की शैडो रिमूव करनी है। तो मैं यहाँ से लूँगा शैडो, एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा करके फेस के ऊपर की जितनी शैडो है जो मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली में कभी भी याद रखो, जब भी फोटो एडिट कर रहे हो तब नेचुरल शैडो को रिमूव मत करो। फॉर एग्जांपल अब ऊपर से लाइट है तो नीचे शैडो आएगी, तो वो शैडो रिमूव नहीं करनी है। जो एक्स्ट्रा फेस के ऊपर शैडो आई है, जैसे फेस ब्लैक लग रहा है तो उसको ब्राइट कर सकते हो। अब आइज के अंदर थोड़ी सी शैडो दिख रही है, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो अभी जो फेस है वो हल्का सा प्रॉपर लग रहा है। अब हाथ के ऊपर थोड़ी सी शैडो है, बट वो शैडो नहीं है, मिड टोन है। तो मैं मिड टोन ले रहा हूँ और इसके ऊपर डॉज टूल अप्लाई कर रहा हूँ। देख सकते हैं फेस का और जो हाथों का एक्सपोजर है काफ़ी हद तक सही हो गया। ओके, तो ये मेरे नॉर्मल स्टेप्स हो गए जो भी मैं शुरुआत में करता हूँ। अब उसके बाद में मैं सीधा करूँगा स्किन रिटचिंग। अब स्किन रिटचिंग के अंदर मैं क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं स्पॉट लिंक टूल को लेता हूँ और यहाँ पे जितने भी फेस के ऊपर स्पॉट्स है उसको रिमूव करता हूँ। अब मैं एडिटिंग करते करते आपको बता रहा हूँ, एडिटिंग फेस स्किन रिटचिंग के अंदर 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फेस स्मूथनिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं पूरे फेस को स्मूथ कर देते हैं, और जो दूसरा कैटेगरी होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी सेपरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं फेस के ऊपर जितने भी डिटेल्स है उसको मेनटेन करके एडिटिंग करते हैं। बट इस वाले वीडियो के अंदर मैं वो वाले रिटचिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैंने वो बताया हुआ है। बट इस फोटो के ऊपर मुझे ग्लो क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली इस फोटो को स्मूथनिंग के तरीके से करने वाला हूँ। तो स्पॉट्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब जब भी आप स्पॉट लिंक टूल ले रहे हो तब आपको याद रखना है कि राइट क्लिक करने के बाद में हार्डनेस को 50 रखना है और स्पेसिंग को 28 रखना है, मतलब 25 के आसपास रख सकते हो, इससे आपका जो इफेक्ट है प्रॉपर आएगा। अब यहाँ पे जितने भी पैचेस आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे पैचेस अभी रिमूव होने वाले। अब इसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से मिक्सर ब्रश टूल लेना है। इस ब्रश के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल आ जाएगा। अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ से सर्च बॉक्स के अंदर आप टाइप करके मिक्सर ब्रश टूल अगर टाइप करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब मिक्सर ब्रश टूल लिया। अब आपको यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू जो है 12, 24, 100, 100 वैल्यू यही रखनी है। अब इस वैल्यू रख के आपको करना है फेस के शेप के हिसाब से आपको मिक्सर ब्रश टूल यूज़ करना है।
देखिए ये जो मैं ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ इससे मेरा जो फेस है वो स्मूथ हो रहा है। सर्कल सर्कल भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं रैंडम तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके तो मैंने यहाँ पे दोनों जो चिक्स है मतलब दोनों जो गाल है वो उसको एडिट कर लिया है। अब मुझे ना प्रॉपर नोज़ को करना है। नोज़ के ऊपर सेम नोज़ का जो शेप है उसके हिसाब से आपको ब्रश यूज़ करना है। यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। ओके स्किन को हम प्रॉपर एडिट करने वाले प्रोफेशनली। पूरा जब हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऐसा लग रहा है कि मिस हो गया मतलब साइड में बाकी रह गया। अब उसके ऊपर हम जूम करके वर्क करने वाले। अब अगर आपको इस ब्रश के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। मैं प्रॉपरली इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ कि इस ब्रश को प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है। अब हर वीडियो तो इतना लंबा नहीं बना सकते कि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दे। अब आप देख सकते हो स्किन के ऊपर ना एक ग्लो आ रहा है। थोड़ा नेक के ऊपर भी यूज़ कर रहा हूँ। अब हल्का सा हाथों के ऊपर भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो स्किन है और जो हाथ है वो एक जैसे लगे। हल्के से क्यों ना हो आपको यूज़ करना है। रात के 12 बजे हुए, 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं। थोड़ा पसीना आ रहा है, पंखा भी बंद है। ओके तो अभी आप देख सकते हो अभी मैंने जो भी स्किन रिटचिंग किया है इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या हुआ है। ओरिजिनल फोटो के ऊपर जो ग्लो था वो ग्लो चला गया। अब मैं दिखाता हूँ हिस्ट्री टूल के अंदर से पूरा बैक आ जाता हूँ। देखिए इस फोटो के ऊपर जो शाइन थी वो चली गई है। तो इस शाइन को मैं रिकवर करूँगा। कैसे करूँगा देखिए, अब यहाँ से डॉज टूल लूँगा और यहाँ से लूँगा हाईलाइट्स। क्या लूँगा? हाईलाइट्स। अब हाईलाइट्स लेने के बाद में जो ऊपर एक्सपोजर है वो आपको 10 के अंदर रखना है। 6-7 रख सकते हो, मैं यहाँ पे 9 रख रहा हूँ। और जहाँ पे आपको हाईलाइट चाहिए मतलब जहाँ पे शाइन हो सकता है वहाँ पे आपको यूज़ करना है। देखिए वो शाइन रिकवर हो रहा है। अब देखिए फेस के ऊपर कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। अब जहाँ पे और भी हाईलाइट आ सकती है वहाँ पे आपको क्लिक करना है हाथों के ऊपर ये इस तरीके से। अब देखो अब जो मैंने स्टेप करी है इसका बिफोर आफ्टर देखिए। ये है विदाउट डॉज टूल और ये है विद डॉज टूल। कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अब हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको क्वालिटी समझ ना आए बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अब स्किन को थोड़ा बहुत एडिट कर लिया बट स्किन का जो टोन है उसको मुझे प्रॉपर करना है। तो उसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल लूँगा, फेस को सिलेक्ट कर दूँगा। ओके क्विक सिलेक्शन टूल लिया। अब मैं हाथों को भी सिलेक्ट करूँगा। ओके अब मुझे ये भी हाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि जितना भी मैं मतलब स्किन है फेस भी हो गया दोनों हाथ भी हो गए सबका टोन एक जैसा हो जाएगा। वरना प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बताइए, स्किन का कलर अलग हो जाएगा और हाथ का कलर अलग हो जाएगा। तो तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ फिल्टर से कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, फिर यहाँ से फोर्थ ब्लॉक के अंदर आके सैचुरेशन में से ऑरेंज को कम कर रहा हूँ। अब देख सकते हो स्किन का जो टोन है वो वाइट के अंदर हो गया। अब मैं ह्यू के अंदर आ रहा हूँ और ऑरेंज को हल्का सा कम कर देता हूँ। ये देखिए पिंक टोन के अंदर मेरा फेस हो चुका है। सैचुरेशन को थोड़ा और कम करता हूँ। ठीक है अब फेस के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं उसको कवर अप करने के लिए मैं थर्ड पॉइंट के अंदर आऊँगा और यहाँ से ल्यूमिनेंस का जो ऑप्शन है उसको बढ़ा दूंगा। अब मैं शार्पनेस को भी बढ़ा दूंगा। अब आप स्किन दे सकते हो कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया है यार। इस बात पे एक वीडियो को लाइक तो बनता ही है। अब मैं इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। अब फेस के ऊपर हल्का सा और ग्लो ऐड करने के लिए डॉज टूल ले रहा हूँ और ऊपर से मिड टोन ले रहा हूँ। थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ। ओके ये देखिए अभी कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मेरा फेस। ओके तो अभी स्किन तो रिटच हो गया, अब बाकी की चीज़ें हम एडिट कर रहे हैं जैसे बैकग्राउंड भी करना है अभी। ओके तो अब मैं फोटो को थोड़ा और क्रॉप कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। ओके इतना क्रॉप कर रहा हूँ मैं। अब इस फोटो के अंदर बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत एडिटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिल्टर के अंदर से कैमरा फिल्टर में जाऊँगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, लेयर को कॉपी कर लूँगा कंट्रोल जे। अब यहाँ पे जितना भी काम किया था मैंने एक ही लेयर के ऊपर किया था। अगर आप चाहते हो तो अलग अलग लेयर के ऊपर कर सकते हो बट मुझे आदत हो गई है कि मैं जितना भी एडिटिंग करता हूँ कभी भी मुझे वापस बैक नहीं आना पड़ता, तो इसलिए मैं सारा प्रोसेस बहुत टाइम पर एक ही लेयर के ऊपर करता हूँ। अब आपको सिंपली फिल्टर के अंदर से कैमरा फिल्टर में जाना है। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े कुछ मैजिक्स बताने वाला आपको। अब आप देखिए बैकग्राउंड के अंदर ना 2 से 3 कलर हैं। बैकग्राउंड के अंदर येलो कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, तो उसमें से एक कलर हटा दूंगा मैं और एक ही कलर रखूंगा ताकि फोटो जो है प्रोफेशनल लगे। तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, येलो को कम करके देखता हूँ पहले। हाँ ये सही लग रहा है। अब अगर ग्रीन को कम करूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है बैकग्राउंड, तो वो नहीं करना है। येलो को पूरा कम कर देता हूँ। अब देखिए बैकग्राउंड थोड़ा सिंगल कलर में बन रहा है। याद रखिए फोटो के अंदर जितने कम कलर्स होंगे उतना आपका फोटो प्रोफेशनल लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है, और हो सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद में और भी अच्छा लगे। ठीक है तो अभी मैंने पीछे का जो एक कलर है उसको रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफएक्स के अंदर आ रहा हूँ और थोड़ा सा इसको जो अमाउंट है उसको कम कर दे रहा हूँ। कर दिया। अब देखिए अब मैंने इसको कम क्यों किया, क्योंकि बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डार्क हो जाए।
अब मैं फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने ये प्रोसेस क्यों किया है, क्योंकि मैं फोटो के अंदर मैंने अभी क्या किया है, हाइलाइट्स और शेडोज क्रिएट करे हैं। अब ये ग्लो तब दिखेगा जब साइड का जो पार्ट है वो डार्क होगा, समझ गए मैंने क्या बोला। अब देखिए मेरा शर्ट आपको ब्राइट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, समझ गया ना। तो अगर आपको फेस ग्लो, फेस के ऊपर ग्लो दिखाना है तो बैकग्राउंड को डार्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब डार्क करने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्थ ब्लॉक के अंदर आ रहा हूँ, स्प्लिट टोनिंग, यहाँ से हल्का सा सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, हाईलाइट के अंदर एक कलर ऐड हो जाएगा, तो फोटो के अंदर हाईलाइट किधर है, फेस के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर है, तो मुझे येलो कलर रखना है। कौन सा कलर रखना है, येलो, येलो रखा, सैचुरेशन थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए फोटो के ऊपर एक वार्म टोन आ गया, कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है ये। हाईलाइट के अंदर येलो टोन ऐड कर दे। अब मुझे डार्क, मतलब डार्क पार्ट के अंदर एक कलर ऐड करना है, तो थोड़ा सा शेडो का सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ और उसके अंदर हल्का सा ऑरेंज टोन ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये मेरा एडिटिंग हो चुका है, ओके कर रहा हूँ। अब देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया फोटो के अंदर। अब मैं इस लेयर को और एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं फिल्टर में से कैमरा फिल्टर के अंदर जा रहा हूँ वापस, फिर वहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन के अंदर आकर के, मतलब कैलिब्रेशन के अंदर आकर के इस रेड प्राइमरी को बढ़ा रहा हूँ और जो ग्रीन प्राइमरी इसको भी हल्का सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में आप देख सकते हो ब्लू प्राइमरी जो है इसको मैं कम कर रहा हूँ, देखिए फोटो के ऊपर एक अलग ही टोन आ रहा है। ओके, अब इसके बाद में देख सकते हो फेस का कलर जो है वो वापस बढ़ गया है, तो वापस फोर्थ ब्लॉक के अंदर आकर, मतलब HSL के अंदर आकर सैचुरेशन में से ऑरेंज को कम कर देता हूँ। ये देखिए वापस सही हो गया। अब फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आकर के मैं डीहेज को बढ़ाता हूँ ताकि फोटो के अंदर डायमेंशन क्रिएट हो, मतलब फोटो के अंदर 3Dness, डॉज एंड बर्न इफेक्ट क्रिएट हो। तो देखिए मैं डीहेज को बढ़ा रहा हूँ, जैसे बढ़ा रहा हूँ देख सकते हो फोटो की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एकदम 3D लग रहा है फोटो। ओके, अब मैं फेस का कलर थोड़ा और कम कर देता हूँ, सही है। ओके, अब देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया। अब ये तो हो गया, अब मुझे करना इस फोटो के ऊपर थोड़ा और ग्लो ऐड करने के लिए मैं ऊपर से एक सन फ्लेयर ऐड करूँगा, लेंस फ्लेयर ऐड करूँगा। सबसे पहले यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं एक ब्रश टूल लेता हूँ, बट सर्कल ब्रश नहीं चाहिए, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से लेंस फ्लेयर वाला ब्रश ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्री लेंस फ्लेयर, अगर आपके पास में ये ब्रश नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब आपको इसमें से ये वाला ब्रश लेना है। अब कलर लेना है वाइट और साइज छोटा करके अप्लाई करता हूँ। अब मैं ऊपर क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो हेयर्स के ऊपर ऊपर से लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट है वो नेचुरल लगेगी, तो ये मैंने लेंस फ्लेयर ऐड कर दिया। अब इसका जो ओपेसिटी है मैं कम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक तो सारा काम सही लग रहा है, बट इसके आगे और भी थोड़ा प्रोसेसिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस कर रहा हूँ, सारे लेयर मर्ज हो रहे हैं। अब फिल्टर के अंदर आकर के ब्लर गैलरी के अंदर से इरिस ब्लर ले रहा हूँ। इरिस ब्लर से क्या होगा, एक सर्कल क्रिएट होगा और उसके अंदर का जो पार्ट है वो फोकस रहेगा, बाकी सब ब्लर हो जाएगा, तो हल्का सा आपके फोटो के अंदर डेप्थ क्रिएट हो जाएगा। अब मैं ब्लर बढ़ा रहा हूँ, देखिए ऐसा लग रहा है कि ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ। अब देखिए फोटो के अंदर कितना ज़्यादा डेप्थ आ गया। अगर आपको डेप्थ ज़्यादा लग रहा है तो इसका भी ओपेसिटी आप कम कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे एक नया एडिटिंग का आइडिया आया, मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ है। अब मैं फिल्टर के अंदर जा रहा हूँ, कैमरा फिल्टर के अंदर जा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा फोटो को चेंज कर देता हूँ। अब मैं सैचुरेशन के अंदर से ग्रीन को और येलो को कम कर दे रहा हूँ और एक्स्ट्रा स्प्लिट टोनिंग में से येलो कलर ऐड कर रहा हूँ। हाईलाइट के अंदर ऐड हो गया है, बट सैचुरेशन बढ़ाओगे तब दिखेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो इसको रख रहा हूँ मैं, और उसके बाद में यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करके ब्रश टूल ले रहा हूँ, कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ वही वाला जो भी अभी मैंने हाईलाइट के अंदर सिलेक्ट किया है, और साइड में ब्रश अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए अब इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ। अब आप देखोगे ना फोटो के ऊपर एक अलग ही ग्लो नज़र आएगा इस लाइट की वजह से। अब हमारा जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है टाइपिंग। अब मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एक पतले फॉन्ट के अंदर, तो जब भी आप पतले फॉन्ट के अंदर एडिटिंग करो, मतलब टाइपिंग करोगे, तब आपका फोटो एकदम खास लगेगा। मुकेश मा के एडिटिंग 2023, सिर्फ ऐसा टाइप कर रहा हूँ। देखिए फोटो कितना ज़्यादा खास लग रहा है। बस अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको और भी ऐसे लाइव एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।